नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय प्राची और रणवीर को खरी खोटी सुनाता हुआ नजर आ रहा है अक्षय, और अक्षय बोलता हुआ नजर आ रहा है प्राची से कि तुमसे बच्चलन लेडीज मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी, तुम एक की किसी की हो ही नहीं सकती, तुम इस घर में रहना भी डिजर्व नहीं करती हो क्योंकि तुम्हारा चरित्र ही ठीक नहीं है, तुम चालू टाइप की हो। जिसके बाद में आप लोग जानते हैं कि एक जोरदार तमाचा रसीद करता हुआ नजर आ रहा है इस समय अक्षय के मुंह पर रणबीर, क्योंकि रणबीर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन कोई प्राची के बारे में कुछ बुरा बोले वो उससे बर्दाश्त होगा ही नहीं। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में लगातार एक से बढ़कर एक एक नए नए ट्विस्ट भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि फाइनली दोस्तों जो हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि कहानी में एक बार फिर से आप लोगों के बीच में नया और बहुत ही ज़्यादा नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जो हुआ है वो गलत है, क्योंकि इस समय मीका की जो सगाई है वो भी कैंसिल हो चुकी है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कैंसिल होने के पीछे का रीज़न भी क्या है, क्योंकि दोस्तों कैंसिल इसलिए हो रही है क्योंकि सबको पता लग चुका है कि आखिरकार ये पूर्ण रूप से चैलेंज क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अक्षय ही मना करता हुआ नज़र आ रहा कि मैं अपनी बहन की शादी को किसी भी तरीका से इस आदमी के साथ मैं नहीं होने दूँगा, जिसके बाद मैं खुद बोल दिया है आखिरकार। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ तरीका से बोला जाए तो रणबीर ने बोल दिया कि इस शादी को तुम क्या कैंसिल करोगे, मैं ही खुद कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों पर वैसे भी किसी भी तरीका से ट्रस्ट है कुछ नहीं है, मैं नहीं चाहता किसी भी तरीका से। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही आप लोगों के बीच में कहानी एक और भी नया ट्विस्ट लाती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों की निगाहें बेहद ज़्यादा अलग स्थिति